जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये ऐलान कर रहे हैं खुले मन से कि नीतीश जी किसी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री नहीं है, और उन्होंने इस वीडियो को अपने अपने फेसबुक पर शेयर भी किया है। तमाम जदयू के प्रवक्ता इसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ भाजपा के लोगों का मानना है कि हमने इस बारे में बातचीत कभी की ही नहीं कि मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, किसके रहमो करम पर है। अब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का यह दावा है कि ललन सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहे, ललन सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी स्वीकार लिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के रहमो करम पर मुख्यमंत्री थे, फिर लालू जी के रहमो करम पर रहे हैं और अब फिर भाजपा के रहमो करम पर हैं। यानी एक बार फिर से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा पलटवार किया है। सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है कि नीतीश कुमार किसी के रहमो करम पे नहीं है, जनता का आशीर्वाद। ये रहमो करम और ये जो कहना कि किसको बता रहे हैं कि भाई जनता का आशीर्वाद। पहले देखिए 2005 में भी रहमो करम पे ही ये भाजपा के मुख्यमंत्री बने, जब बीजेपी से इन्होंने डाइवोर्स लिया 2012 में, जब मोदी जी का थाली खींचा, कैंसिल किया डिनर, उसके बाद लालू जी के रहमो करम पर रहे, अब वापस से तीसरी नंबर की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ना, मुख्यमंत्री हो तो भाजपा की कृपा से ही हो। तो मतलब इतनी सी बात अगर किसी व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आ रही है और राष्ट्र अध्यक्ष बना हुआ है, तो ऐसे पार्टी को तो फिर से पुनः विचार करना चाहिए कि ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। या हो सकता है राष्ट्र अध्यक्ष जो है उनके जानबूझ के बोल रहे हैं, मंत्री ना बनाए गए हों इसलिए नीतीश कुमार जी को भी मुख्यमंत्री इस पद से हटाना चाह रहे, कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जब तक एनडीए एग्जिस्ट कर रही है तब तक नीतीश जी ही रहेंगे, जबकि बीजेपी के कई विधायक कई नेता ये कह रहे हैं अब इनको छोड़ देना चाहिए, अब इनको राजनीति। अरे वो अब क्या बोलते हैं कि अपने स्थिर तो रहते नहीं है, अब उनको शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि नीतीश जी भाजपा और लालू जी के रहमो करम पर ही मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से ललन सिंह का सरस्वती पूजा के समय वाला वीडियो तेजी से वायरल होना, जिसमें बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो ललन सिंह जैसा हो, ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। अब उसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी है और इस चर्चा के बाद एक चीज साफ है कि जदयू के लोग या अंदर के लोग कहें या जदयू में जो बाहर से सपोर्टिव लोग हैं वो चाहते हैं कि ललन सिंह मुख्यमंत्री बने, लगातार ये चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान कहीं ना कहीं साफ तौर पर संदेश देता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।